दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपका। और आज की इस वीडियो में ना ही कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने को मिलने वाली है और ना ही कोई मोटिवेशनल वीडियो आपको यहां पर सुनने को मिलने वाली है। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कविता जो कि मैंने खुद लिखी है। मेरे खुद के जज्बात है, खुद के ख्यालात हैं जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे पसंद करोगे। अगर आपको पसंद आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, आज की इस कविता को शुरू करते हैं। तो आज की जो कविता का टाइटल है वो है अपने मगर अनजान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सस्पेंस है कि अपने भी है और अनजान भी है। तो ये जो सस्पेंस है आपको इस कविता में क्लियर हो जाएगा। तो टाइटल है अपने मगर अनजान। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। कि अपनों को अपना मैंने कभी जाना नहीं, अपनों को अपना मैंने कभी जाना नहीं, हम भी उनके अपने हैं ये उन्होंने माना नहीं। दिल दुखता है जब बात आती है परिवार पर, कि दिल दुखता है जब बात आती है परिवार पर, तोड़ रहे सब दिल ऐसे जैसे निकले हो शिकार पर, न जाने क्यों इतने खुद्दार है, ये मैंने कभी जाना नहीं, हम भी उनके अपने हैं ये उन्होंने माना नहीं। राय मेरी ये तुम सबको कि किसी गैर की बात में आना नहीं, अगर हम भी आपके अपने हैं तो आज तक क्यों पहचाना नहीं। मानता हूं कि जिंदगी है साहब, मानता हूं जिंदगी है साहब, दर्द देने से बाज इसने भी आना नहीं, जब जब जरूरत अपनों की पड़ी उन्होंने फिर से हमें पहचाना नहीं। अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन है वो और क्या है वो, अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन है वो और क्या है वो, किसी से कुछ बतलाना नहीं, जब हम भी उनके अपने थे तब उन्होंने अपना माना नहीं, तब उन्होंने अपना माना नहीं। तीर से तेज शब्द थे उनके, जब वो अपनी जुबान खोलते थे तो तीर से तेज शब्द थे उनके, ये उन्होंने जाना नहीं, कितना दर्द हुआ था उस वक्त हमने ये उनको बताना नहीं। चाह कर भी भूल ना पाऊंगा वो दिन, भूल जाना अब रास आना नहीं, अगर हम भी आपके अपने थे तो उस वक्त क्यों पहचाना नहीं, तो उस वक्त क्यों पहचाना नहीं। अपनों को अपना मैंने कभी जाना नहीं, हम भी उनके अपने हैं ये उन्होंने माना नहीं। तो दोस्तों इतनी कविता थी, इसमें मैंने कुछ एक पंक्तियां लिखी थी। खुद के ख्यालात है, खुद के जज्बात है जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता था और मैंने रखे। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कविता कैसी लगी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को शेयर करें। अगर इंस्टाग्राम पे आप वीडियो को देख रहे हो तो लिंक बायो में दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोज को भी देख पाओ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली कविता में एक नई कहानी के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए अलविदा।